डॉक्टर अनवर का हो गया उधर पन्नू साहब का हो गया पूरी बुला लो सर नू उधर देखो मेरे घर इनकलाब जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद भगवंत सिंह मान जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद भगवंत मान सीएम जिंदाबाद 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 अपने भावे पूरे करते जिंदाबाद अपने भावे पूरे करते अज माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के दिशा निर्देशों हेठ जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक खोले गए पूरे पंजाब इत धूरी विखे मुहल्ला क्लीनिक स्टार्ट किया गया ये नगर कौंसल की जिहड़ी जगह है उन्होंने वालों दी गई है इत्थे बहुत शहर के विच है इहदा बहुत फायदा होने वाला है लोगों को क्योंकि सेहत सहूलतों के प्रति सरकार बहुत जागरूक है इत्थे मुढ़ली सेहत तो लैके जो भी लोगों को समस्यावां आउंदियां उहदी चैकअप तो लैके टैसट लैके नाल ही दवाइया जिहड़ियां वो बिल्कुल ही मुफ्त जिहड़ियां लोगों को दित्तियां जाणगियां तां कि लोगों को चंगी जिहड़ी सेहत सहूलतां प्रधान मोहतुरी दे विच कीतियां जा सकन लोगों को यही संदेश है कि अपना वध तों वध इस सहूलत का लाभ लिया जाए जेकर उन्होंने आंढ़ गुआंढ के भी किसी कोई समस्या सेहत रिगार्डिंग आती है इतने डॉक्टर साहब साढ़े बहुत कंपीटेंट डॉक्टर साहब बैठे ने उन्होंने मदद के नाल सेहत सहूलतों का लाभ लिया सरकार का बहुत वड्डा उपराला है कि जिहड़ी सेहत सुविधा है हर एक दे द्वार ते नज़दीक तो नज़दीक बिल्कुल मुफ्त पहुँच सके अच्छी क्वालिटी की सेहत सुविधावां पहुँच सकन ते इस विच बड़ा ये उद्यम करन लई कमेटी नूं भी योगदान देने का मौका मिलिया कमेटी ने कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही तीन दिन के बाद एक रेजोल्यूशन पाया कि जिहड़ी ये जगह हैगी है मोहल्ला क्लिनिक क्योंकि ये मालकियत कमेटी की है तो सर्वसम्मति नाल सब मैंबर ने प्रधान जी ने यह मता पाया कि यह जगह जिहड़ी हैगी है मोहल्ला क्लिनिक वास्ते दित्ती जावे फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये बहुत ही तेजी नाल PWD डिपार्टमेंट तो हैल्थ डिपार्टमेंट ने विदिन 45 डेज कि इनू कन्वर्ट कर दिता इन्ने अच्छे मोहल्ला क्लीनिक के तौर पर तो नाल ही ये भी कहना चाहवागा कि जदों मता पाया तो हाउस की यह इच्छा सी कि जिहड़ा साडा दूसरा हॉस्पिटल मेन हैगा तो सरकार उत्थे भी साडियां मतलब जिहड़ी होर फैसिलिटी इंप्रूव कर देवे तो आस है कि बहुत वधिया सुविधावां इत्थे हुण जा रही ने धूरी दे विच सेहत पक्खों अज आजादी के दिहाड़े के उत्ते पूरे पंजाब दे विच साडी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जो माणयोग भगवंत मान जी की अगवाई दे हेठ पूरे पंजाब 75 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए ने क्योंकि वोटां तो पहला भगवंत मान जी ने वादा किया लोगों के नाल भी जो गरीब लोग जिन्हां दवाइया करके जां टैस्टां करके अपना प्रोपर इलाज नहीं करवा सकते वो दिल्ली की तर्ज के उत्ते असीं पंजाब दे विच भी मोहल्ला क्लीनिक खोलांगे तो अज वह भगवंत मान जी ने अपना वादा पूरा करते हुए पूरे पंजाब दे विच 75 मोहल्ला क्लीनिक खोले ने इस मोहल्ला क्लीनिक दे विच 250 तो उपर टैसट बिल्कुल फ्री होणगे ते दवाइया बिल्कुल फ्री दित्तियां जाणगियां ते MBBS डॉक्टर होएगा ते नाल उहदे नाल 4-5 जणे दा स्टाफ होएगा जिहदे नाल मैं समझदा वी साडे धूरी हल्के नूं बहुत वड्डी राहत मिलेगी तो ये धन्यवाद नगर कौंसल कमेटी का जिन्होंने जगह दी है तो शहर के जमा एक नुक्कड़ जगह होने करके मैं समझता भी धूरी शहर में बहुत वड्डा इसका लाभ होएगा तो भगवंत मान जी का धन्यवाद जिन्होंने धूरी के अज मोहल्ला क्लीनिक खोले ने आल पंजाब दे विच ते आने वाले समय दे विच हर पिंड दे विच एक एक मोहल्ला क्लीनिक खोल के पंजाब वासियों दे नाल जो भगवंत मान जी ने साडी सरकार ने वादे किए थे असीं उह पूरे करांगे चट्ठ साहब अज जिहड़ा आम आदमी क्लीनिक का उद्घाटन किया गया वा उहदे बारे की कहना चाहूंगा अज मैं यही कहना चाहूँगा जो 75 सालों के नहीं होया आम आदमी पार्टी पंजाब दे च आई
और आम क्लीनिक खुले जो एक मिसाल पैदा करेंगे, जो गरीबों लिए एक क्लीनिक बने ने थानू पता लगू आने वाले समय के मेडिकल बहुत जो छोटी मोटिया बीमारियां इतने इलाज होना हो जाना है उस तो उपर जी इलाज हो उन्होंने लिए हस्पताल बन रहे हैं। मान साहब साढ़े एक मलेरकोटले बन रहा, एक मस्तवाणा साहब बन रहा, भवानीगढ़ बन रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाभ होना है सारी जनता ने। अज जे क्लीनिक ने किन्ने की ओपनिंग हो रही है जी? अज 75 आम आदमी क्लीनिक ओपनिंग हो रही है और आने वाले समय के हरेक पिंड होगा, शहर के होने वार्ड बाई हो जिन्ने वार्ड ने शहर उन्ने क्लीनिक खुले ने, जिन्हें पिंड ने पिंडा खुले ने, यह आने वाला समय ही दसूगा। अज पूरे पंजाब दे विच जो आम आदमी पार्टी ने वायदे किए थे चोणों के एक एक करके पूरा कर लगी है, वो अज 15 अगस्त आजादी के दिहाड़े ते लोगों नू 75 क्लीनिकां का महला क्लीनिकां का तोहफा दिता है मान साहब ने, और होर भी आने वाले समय के पंजाब दे विच पूरे च वन बाई वन होर भी क्लीनिकां बनणगियां। और ये जिहड़ा भी कोई पेशेंट है हर तरह का वह इत्थे आऊगा, लैब भी है, टेस्ट भी इत्थे होणगे, फ्री दवाई मिलेगी, और जिहड़े कुछ ऐसी जे कोई ज़्यादा बीमारी सीरीयस है तो उहदा इलाज इत्थों दूजे होस्पिटल रैफर करके उत्थे होगा। और इहदा जिहड़ा फायदा है इहदा 90% जिहड़े लोगों को इहदा फायदा होगा जिहड़ियां महल्ला क्लीनिकां ने, क्योंकि लोगों को छोटी छोटी बीमारियां होंदियां ने कुछ दवाई वो इत्थे ही सानू पूरा किसी वड्डे हस्पताल जाने की लोड़ नहीं। पहला की हुंदा सी कि छोटी जी बीमारी भी लैके बंदा हस्पताल जांदा सी, वह लोगों को इत्थे ही फ्री दवाई और फ्री इलाज इत्थे होगा, इहदा बहुत वड्डा फायदा पंजाब दे लोगों नूं। ते इत्थे जिहड़े डॉक्टर्स ने किन्ने अपॉइंट किए गए? इत्थे घट्टो घट पूरी टीम डॉक्टर की होगी, डॉक्टर साहब होंगे, टेस्ट हैल्पर होंगे, फार्मासिस्ट लैब वाले सारे सारे तो पूरा स्टाफ इतने मुहैया किया जाए। जिवें तुसी सारे जानते हो पंजाब सरकार ने आम आदमी क्लीनिक शुरू किए हैं, ये अपने धूरी च भी खुलिया है बाजड़िया रोड पर, यदा लोगों को बहुत फायदा रहेगा। ये पूरा स्टाफ आ चुका है, डॉक्टर साहब है ये मेरे नाल बैठे हैं, साढ़े क्लीनिकल असिस्टेंट है और फार्मासिस्ट है, नाल ही क्लास फोर। ये लोगों को हर तरह दहूलत मिलेंगी, ऑनलाइन होएगा सारा सिस्टम, डिजिटल है जी, जो आएगा पेशेंट पहला रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर डॉक्टर साहब को अपने आप वो पर्ची पहुँच जाएगी टैब पे, और ये फिर देखेंगे और जो दवाइयाँ लिखेंगे वो भी डिजिटली फार्मेसी पहुँच जाएंगे, जेडे टेस्ट लिखेंगे वो इतने ही सैंपल लिखते जाएंगे और अगले दिन या एक दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट मिल जाएगी। मैम इतने किन्ने टेस्ट वगैरह किए जाएंगे? ये पंजाब सरकार ने 41 टेस्ट की लिस्ट है जी, जो इतने सहूलत दिखाई ते जे मैम कोई पेशेंट सीरियस पाया जाता वो रिगार्डिंग की किया जाए? वो अपना SDH धूरी हैगा सैकेंड, असी पेरेंट सेंटर है उन्होंने, वो सानू रैफर कर देंगे, उदू देखा जाएगा, और उत्थे भी उस तो भी ज़्यादा सीरियस होएगा जी तो फिर अपना सिविल हॉस्पिटल संगरूर है। एम्बूलेंस वगैरह की भी व्यवस्था की जाएगी जी? वो 108 की तो थोड़ा पता ही है पंजाब सरकार की हैगी हुई है फैसिलिटी, उदो ही उन्होंने इनफॉर्म किया जाएगा 108 के थ्रू पेशेंट को रैफर।